ये लीजिए। क्या हुआ सानिया साहिबा? आपके असाब पर मेरे अलावा और कौन सवार है? आसिया भाभी, क्या हो गया है? मैं कमरे में जा रही हूँ। अरे रुके, नजर ने बर्फ की सिकाई करने को कहा है। रहने दो, ठीक हो जाऊंगी। सानिया खाला, मैं छोड़ आती हूँ आपको। नहीं नहीं, चली जाऊंगी। ये ब्लड प्रेशर व्रेशर कुछ नहीं है, कोई और बात है। मैं बता रही हूँ, कोई और ही बात है। नजर मेरी जान, ताहिर कलीली आ रहा है, हमें अहम मामलात पर बात करनी है। तुम जाओ और अपने कमरे में बैठो जाके, ठीक है? आओ ताहिर आओ। खैरियत तो है? कौन सी हवा तुम्हें यहां खींच ले आई? तुम ये लो। अरे इसकी क्या जरूरत थी ताहिर? अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इंतजार नहीं हुआ, इसलिए सोचा कि तुम्हें जाकर लौटा दूं। लेकिन मुझे इसके आने की तवक्को नहीं थी। भाई ने मुझे सही कहा था। क्या? तुम्हारे लिए। ताहिर, इसे अपने भाई के पास वापस ले जाओ। मुझे तुमसे ज्यादा कीमती चीजें खरीदने की आदत है। यह पहली और आखिरी चीज थी जो तुम्हें दे रहा था मैं। कह लो जो कहना है, कह लो। एक दिन जब चीजें वापस आएंगी तो तुम कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ भी नहीं। उस रात मुझे ईद को बचाने के लिए तुम्हारा दरवाजा तोड़ना पड़ा था। अब ये रखो, उसकी मरम्मत के लिए काफी होंगे, और अगर कम लगे तो मुझे बता देना। ताहिरा, ओए, क्या उसने टांग मारी? हाँ। ताहिर की कॉल है। नफीस। ताहिर, क्या तुम घर पर हो? घर पर हूँ। ठीक है, मैं ईद को स्कूल से लेता हुआ आऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे। लेकिन क्यों? पहले हम लोग मिलकर शॉपिंग करेंगे, उसके बाद अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। ताहिर, अब ये कहाँ से आ गया? क्या जरूरत है? वो क्या कह रहा है? क्या हुआ? कह रहा है कि शॉपिंग कराओ, डिनर पे लेकर जाएगा फिर। लड़के फोन बंद करो, उसे तैयारी करने दो। आसिया भाभी, क्या है? कैसी लड़की हो तुम? वो तुम्हें शॉपिंग का कह रहा है? तुम लड़की होके शॉपिंग का इनकार कैसे कर सकती हो? चलो जल्दी आओ, शौहरों की जेब कैसे खाली करते हैं मैं तुम्हें बताती हूँ। मगर आसिया भाभी, सानिया खाला का ब्लड प्रेशर। कैसा ब्लड प्रेशर? उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो सो रही हैं। अगर उन्हें कुछ होता तो वो हमें सुकून से नहीं बैठने देती, समझ गई? फातेह, ये तुम्हें क्या हो गया भाई? कुछ भी नहीं भाभी। एक काम करना, अम्मी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हुआ हुआ है, वो अपने कमरे में सो रही है, उन्हें जाके देखते रहना। जी ठीक है। और हाँ, मैं बाद में पूछूंगी तुम्हें हुआ क्या है। चलो, हम शॉपिंग के लिए लेट हो रहे हैं, चलो जल्दी करो। हाँ चलो चलो चलो।
buradan yukarı gel sesume sesume. Ha buradan yukarı gel sesume sesume. Bakalım uyacak mı nefesum nefesume. Bakalım uyacak mı nefesum nefesume. Ayağımda çoraplar yeşilemi çalayım. Ayağımda çoraplar yeşilemi çalayım. Düşeceğim belaya eğer senden dolayı. Düşeceğim belaya eğer senden dolayı. Akayı dere iki kıyı bulanık. Dere akayı dere iki kıyı bulanık. Bu dünya oldu bana hem ışık hem karanlık. Bu dünya oldu bana hem ışık hem karanlık. Bizim yayla yolundan aksın pınarlar aksın. Bizim yayla yolundan aksın pınarlar aksın. Uşaklar geçsin hele sevduğum bana kalsın. Uşaklar geçsin hele sevduğum bana kalsın. Derun ay ışığı boğaz yayladan doğar ay derun ay ışığı. Sevduğum yalanın sallanmasın beşiği. Sevduğum yalanın sallanmasın beşiği. Esti bir deli rüzgar geldi kırdı dalımı. Esti bir deli rüzgar geldi kırdı dalımı. Kimlere anlatayım bu perişan halımı. Kimlere anlatayım bu perişan halimi? Kimlere anlatayım bu perişan halimi? Kimlere anlatayım bu perişan halimi? हाँ तो आप लोग तैयार हैं? हम आ रहे हैं। चलो यार अब आ भी जाओ और कितना इंतजार करें? अच्छी नहीं लगूंगी मैं। वाह भाभी, माशाल्लाह। भाभी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरी बहन। अम्मी आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। मैंने आपको इससे पहले ऐसा नहीं देखा। ताहिर, तुम कुछ नहीं कहोगे मुझे? क्या कहूं? अरे वाह, मैंने कहा था ना सब देखते ही रह जाएंगे। मैं तारुफ कराऊं इन मोहतरमा का, क्या कहते हो? ये आपके होने वाले शौहर और ये आपकी होने वाली बीवी हैं। ताहिर, ताहिर। जी भाई। चलो बेटा चलो, उठो शाबाश, जल्दी जाओ। अल्लाह अल्लाह, मुझे भूख लग रही है, खाने में क्या है? चलो तुम लोग जाके मजे करो, क्योंकि इनकी भूख का कोई टाइम नहीं है। खाने में क्या है,
देखो यार जरा। चलो मेरे शेर। शुक्रिया भाभी, सब कुछ भूल के बस मजे करो, खैरियत से जाओ और खैरियत से आना। ये प्रजाति एक कबीले में रहती है, हर कबीले का एक मादा और एक नर होता है, और ये लोग अपने कबीले से कभी अलग नहीं होते। जैसा कि अब वो देखो मेरी जान, ये हाइना है। मैं तो रोजाना देखती हूँ इसे। सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली मलका। बहुत खूब। फिर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। ये शेर हाइना से डरते हैं। क्या तुम जानती हो कि शेर हाइना से क्यों डरते हैं? ये उनसे तेज है। तुम नहीं जानती। क्योंकि यही वो। तो फिर सुनो और सीखो। क्योंकि शेर पे भी हावी होती है। दीगर तमाम जंगली जानवर पहले अपने शिकार को मारते हैं और फिर उसे खाते हैं, लेकिन हाइना ऐसा नहीं करता। वो जिंदा शिकार खाता है। इसी वजह से जंगल का बादशाह शेर भी हाइना से डरता है। इसी वजह से इन्हें ज्यादा भूख लगती है, और इनके भूख लगने पर ये हड्डियां तक खा जाते हैं। हाइना के जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि वो हड्डियां भी तोड़ सकते हैं, चाहे वो शेर की हड्डी ही क्यों ना हो। हेलो सर, आपने टेबल बुक करी थी क्या? बिल्कुल, नफीस, यीत और ताहिर कलीली। ताहिर कलीली, ये काफी नहीं है, बल्कि हम लोग तो एक टीम है ना। जी ठीक है, आ जाइए आप लोग। उम्मीद है अच्छी खबर होगी जमील साहब। सारे सामान का इंतजाम हो चुका है। बहुत खूब, मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहता था। आप कब उसे लोड करेंगे फिर? वो भी बहुत जल्द कर देंगे। जबरदस्त। वैसे नजर सलाम कह रही है आपको। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी से कहना कि मैं उसे बहुत याद करता हूँ, उसका ख्याल रखना। जरूर जरूर सर, आंखों पर। बाबा, अम्मी बहुत अच्छी लग रही है ना? मत पूछो मेरे शेर, बहुत ज्यादा। अरे बस कर दो, क्या हो गया है? एक्सक्यूज मी सर, जब तक खाना आ रहा है आप कहें तो हम बच्चे को प्ले एरिया में भेजते हैं। क्या कहते हो मेरे शेर? वहाँ हमारे पास आपके लिए टॉयज भी हैं। जब खाना है तो बुला लिएगा। ठीक है, हम तुम्हें बुला लेंगे, जाओ जाकर एंजॉय करो। ताहिर, ऐसे मत देखो मुझे। क्यों ना देखूं ऐसे? अजीब लग रहा है, यानी आज से पहले ऐसे कपड़े नहीं पहने, ना ही कभी इतना तैयार हुई हूं, और ना ही कभी इस तरह डिनर के लिए बाहर आई हूं। मुझे ऐसा लग रहा है सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं। क्या कहा तुमने? कौन देख रहा है तुम्हें? किसकी ऐसी बजाल है? क्या हो गया ताहिर, मजाक उड़ा रहे हो? नफीस मेरी जान, फिक्र मत करो, सिर्फ मैं ही तुम्हें देख रहा हूं। तो तुम क्या देख रहे हो? अपनी नफीस को। मैंने ऐसा ख्वाब कभी नहीं देखा। मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है। मैंने अपने ख्वाबों में सिर्फ तुम्हें ही देखा है नफीस। शुक्रिया तो तुम्हारा अदा करना चाहिए।
उसकी फिर रोने लगी। उसकी टीचर उसको टॉयलेट ले गई, उसके हाथ और मुंह धुलाया और फिर उसको वापस ले आई और वो बहुत रोई। फिर टीचर ने एक पेंटिंग बनाई जिसपे ओसगी बनी हुई थी। ओसगी के बाबा उसके पास आए और अम्मी भी आई थी। अब तो वाजे हो चुका है कि मेरी दुल्हन कौन होगी। चलो तुम अपना खाना खा लो। मुस्तफा, नफीस कितनी खूबसूरत लग रही थी ना। हमारा ताहिर भी बहुत हैंडसम लग रहा था। पता नहीं अभी वो दोनों क्या कर रहे होंगे। वो मोमबत्तियों की रोशनी, होटल का रोमांटिक माहौल, ये सब कितना खूबसूरत लग रहा होगा ना। सच में और ये एक मेरा शौहर है। क्या? नहीं कुछ नहीं, देखो तुम टीवी देखो। मैंने खाना खा लिया, क्या अब मैं वापसी खेलने जाऊं? ये तुम अपने बाबा से पूछो। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर खेलो। कितना खुश लग रहा है ना हमारा बेटा। लेकिन इतना कुछ होने के बाद, अगर इतना सब कुछ ना होता तो हमें इसकी अहमियत का अंदाजा ना होता। नफीस, कहो ताहिर। हमारी शादी थोड़ी सी टूट गई थी, ये बात तुम्हें मजाक लगेगी, इसलिए मैं इसको पूरा करना चाहता हूं। मुझसे शादी करोगी नफीस? यानी मतलब आप दोबारा मुझसे शादी करेंगी? ये मत कहना कि दोबारा गलती नहीं कर सकती। ताहिर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अगर हम ये सबूत प्रोसिक्यूटर के सामने पेश करें तो नफीस साहबा को कत्ल की कोशिश के जुर्म में 8 साल की सजा आराम से हो सकती है। कल सुबह वकील साहिबा, कल सुबह आप शिकायत दर्ज करवाएंगी। मैं खुश हूं कि मैंने तुम्हारे अच्छे दिनों को बर्बाद कर दिया। बहुत खुश हूं मैं मेरी जान, बहुत खुश।
खुश आमदीद भाई, खुश आमदीद। अरे अरे मेरा बच्चा सो गया, लाओ मुझे दे दो इसे। अरे लाए भाई मुझे दे दे, लाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, लाइए। भाभी मेरा बच्चा आपके सुपुर्द है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मेरा भी तो बच्चा है ये, इसे छोड़ो तुम लोग जाओ। कहाँ? जब तुम जाओगी खुद देख लोगी। हम अभी तो घर आए हैं। नफीस कहा ना जब तुम चलोगी तो खुद देख लोगी। तुम लोग अभी तक खड़े हो, बच्चा उठ जाएगा। चलो जाओ, चलो जल्दी जाओ, जाओ जाओ, खुश खुश जाओ, अलविदा। बताओ तो सही कहाँ जा रहे हैं? सब कुछ यहीं बता दूँ क्या? चलो तो सही, अब चलो भी। काफी अरसे से मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था नफीस। काफी सारे ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे। तुम जानती हो ना, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है कि चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही हो और एक रोमांटिक सा गाना चल रहा हो, या फिर फूलों की पत्तियों से नाम लिखा जाता है। फिर मैंने सोचा कि मोहब्बत का इजहार करने के लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जब भी आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं तो मोहब्बत का हक अदा करना पड़ता है। नफीस, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या तुम मेरा साथ दोगी? चाहे कितने ही साल गुजर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम और मैं एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। मैं आज तक ना मुकम्मल थी, कुछ था जो मुझ में गायब था। क्या अब तुम्हें मिल गया है? हाँ बिल्कुल, मेरा ताहिर। मैं बस थोड़ी शर्मिंदा थी। क्यों? मुझे नहीं मालूम, एक औरत जो एक बच्चे की माँ है, स्कूल की लड़कियों की तरह पुरजोश शर्माती हुई बस ऐसे ही। तुम अभी भी बिल्कुल मासूम ही हो। बस किसी दूसरी दुनिया में फंसी हुई थी। तुम मुझे वहां से ले आए, बहुत अंधेरे में थी, तुमने रोशन किया। मैं खौफजदा थी, तुमने मुझे हिम्मत दी। और सबसे अहम बात यह है
भरोसा किया मुझ पर। मैं इंसान था, तुमने मुझे मर्द बनाया। और पता है क्या, एक बाप भी बनाया। और सबसे ज्यादा अहम बात पता है क्या, तुम मेरी सांसें बन गई। आने में देर हो गई, माजरत चाहता हूं। जिंदगी में आने का शुक्रिया, खुशामदीद। हम डांस कर रहे हैं। हाँ ऐसा ही है, लेकिन बगैर म्यूजिक के कर रहे हैं। मुझे सुनाई दे रही है। ताहिर, तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो।
जाओ अच्छी तरह तलाशी करो। चलो सब लाइन से खड़े हो जाओ, कोई भी होशियारी नहीं करेगा, समझ गए सब? हम यहाँ बस तलाशी लेने आए हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो चले जाएंगे। उस तरफ देखो, सही से तलाशी लो, कोई जगह बाकी ना रहे। जाओ दूसरी तरफ जाके देखो, शायद वहां पे कुछ रखा हो। ये कौन आ गया सुबह सुबह नाश्ते के वक्त? सबर करो, दरवाजा खोलिए, हम पुलिस हैं। क्या हुआ, खैरियत तो है? क्या हुआ, सब खैरियत है? नफीस कलीली यहीं रहती है। जी हाँ, लेकिन क्यों? उन्हें बाहर बुलाए, उनके खिलाफ कंप्लेंट की गई है। पर उसका जुर्म क्या है? विदात को कत्ल करने की कोशिश।